आपको फ्री सिलेंडर दे रही है, क्या आपने उसके बारे में जानकारी है? जानकारी क्या, वहाँ गए थे तो उन्होंने क्या कुंवारी लड़कियों को मिलना है, शादीशुदाओं को नहीं मिलना है। 100-100 रुपए के फार्म भरे हम लोगों ने, वो भी लोग खा गए। क्या आपको पता है सरकार फ्री घर दे रही है? सरकार बोल रही है दे कुछ नहीं रही, खाली राशन लेते फ्री में और कुछ नहीं। सरकार ने आजकल जो 5 लाख की लिमिट दे दी है उसकी वजह से मुझे टैक्स भरना ही नहीं पड़ता। और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण इज सेट टू प्रेजेंट एन इंटरिम बजट 2024 ऑन February 1st। इन वन ऑफ हिज स्पीचेस ही हैज एड्रेस्ड दैट गवर्नमेंट हैज फोकस्ड ऑन फोरकास्ट्स एंड फॉर हिम दैट आर पुअर यूथ वुमेन एंड फार्मर्स। टुडे एट india.com वी आर गोइंग टू कवर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी एंड दैट इज Women of India. I am Druti Atri and I am going to take you to the roads and houses of India and ask the women about their lives. घरों में पानी भर रहा है। सरकार ने आपको क्या फ्री सिलेंडर दिए? नहीं, हमें नहीं मिले। आपको पता है कि सरकार जो है स्कीम के तहत आपको फ्री सिलेंडर दे रही है, क्या आपने उसके बारे में जानकारी है? जानकारी क्या, वहाँ गए थे तो उन्होंने क्या कुंवारी लड़कियों को मिलना है, शादीशुदाओं को नहीं मिलना है। 100-100 रुपए के फार्म भरे हम लोगों ने, वो भी लोग खा गए, वो हमें घर नहीं दिया कहीं, हमें कोई सुविधा ही नहीं है अच्छी। क्या आपको पता है सरकार फ्री घर दे रही है? सरकार बोल रही है दे कुछ नहीं रही, और ये कहते हैं राशन फ्री है। राशन तो एक जमाने से फ्री है, नहीं मिलता मुझे तो, अभी कुछ नहीं मिला है, न मिला ही नहीं है, अभी तो पानी इतना भर रहा है घरों में। क्या आपके राशन कार्ड बने हुए हैं? क्योंकि सरकार ने मुफ्त राशन भी बोला है कि गरीबों के लिए मुफ्त राशन जो है। एक राशन मिल गया और क्या मिल गया, कुछ नहीं मिल गया। फ्री पानी? पानी फ्री है, वो तो पानी में क्या है, पानी तो फ्री है, पानी भी तो गंदा है, वो पाइप पूरे फटे पड़े हैं, वहाँ से ला दे पानी भर के पीने का आगे से। तो आपको क्या लगता है, आप क्या बोलेंगी सरकार से कि कहाँ आपका वो पैसा खर्च होना चाहिए? मकानों में, मकान मिलना चाहिए सही तरीके से, जगह रहने की होना चाहिए, कारोबार होना चाहिए। आपका नाम? इंदिरा। आपके परिवार की आमदनी कितनी है? आमदनी तो कम है, महीने का 15,000 रुपए आते हैं। क्या आपको लगता है पिछले साल से ज्यादा महंगाई हो गई है? बहुत ज्यादा हो गया इस बार। आपके घर में जो आप बजट बनाती है उसमें सबसे मोटा हिस्सा कहाँ जाता है? मोटा हिस्सा तो कहीं पे भी नहीं, घर का सामान ही लेते हैं, बाकी रेगुलर खर्चा ही होता है, बच्चों की पढ़ाई के लिए भी लगाते हैं, ट्यूशन वगैरह हर चीज में जाता है। आप किसी भी गवर्नमेंट स्कीम को यूज करती है? खाली राशन लेते फ्री में और कुछ नहीं। क्या आपको फ्री गैस सिलेंडर मिलता है? नहीं मिला, नहीं मिला। आपने कभी जाकर पूछा है कि हमको फ्री सिलेंडर क्यों नहीं मिलता है? वो मना कर रहे हैं, पूछने पे मना कर रहे हैं। अब हम न्यू दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय परिवार में आए हैं जिसकी सोल ब्रेड ओनर एक वुमेन है। सरकार ने काफी सारी स्कीम्स जो हैं वो जारी की थी एक कॉमन मैन के लिए ताकि उनको फायदा हो। सो ऐसी किसी स्कीम को आपने अभी तक यूज किया है? नहीं। कोई आपको जानकारी है ऐसी किसी स्कीम के बारे में? नहीं। क्या आप अपना इनकम टैक्स भरती हैं? सरकार ने आजकल जो 5 लाख की लिमिट दे दी है उसकी वजह से मुझे टैक्स भरना ही नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपनी ITR ज़रूर भरती हूँ ताकि मुझे उससे सरकार से मिलने वाले बेनिफिट्स पूरे मिलें। आपको पता होगा कि अभी 1 फरवरी को हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण बजट जो है वो पेश करेंगी, तो आपकी क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है उससे? मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी महंगाई कम होनी चाहिए, बहुत महंगाई है। इसके साथ साथ जो हमारा गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो बहुत काम कर ही रही है, लेकिन उनको एजुकेशन और हेल्थ पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो ये थी एक मध्यम वर्गीय परिवार की बेसिक नीड्स। तो आप अपनी इनकम का जो मेजर सेगमेंट है वो कहाँ पे करते हैं? ट्रैवलिंग और शॉपिंग। क्या दिक्कतें आती हैं आपको? दिक्कतें ये है कि ट्रैवलिंग में तो बहुत दूर से ऑफिस में आना पड़ता है, तो देखो जो ओला उबर का खर्चा है सबसे ज़्यादा पड़ता है, तो बेसिकली इसका जो प्राइस है थोड़ा सा डाउन होना चाहिए। सो बीइंग अ वर्किंग वुमन, ऐसी कौन सी हर्डल्स है जो आपको रोज मिलती है? मुझे लगता है कि किचन की तरफ चलते हैं, किचन में जैसे अगर मेरे को डेली जो भी सामान लेके जाती हूँ
एक तो उसका प्राइस इतना ज़्यादा होता है। तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है उस बजट से? मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि एक तो वो पेट्रोल डीजल पे प्राइस डाउन करें, प्लस किचन के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, हमारे खाने पीने के सामान हैं, उनके भी प्राइस डाउन करें। तो ये चीज़ें लिमिटेड रखेंगे, जितना हम खर्चा कम करेंगे उतनी सेविंग्स कर पाएंगे, आगे का फोकस कर पाएंगे। Well, you heard different sector of women having different opinions. Few are complaining, few are satisfied, while others have various demands. But it is just matter of time when we get to know what all government have in their bank. And it will be revealed on February 1st when government will present an interim budget. Till then, follow India.com for more such information.